अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज सुबह जीजू तेरे कमरे में जो अलमारी है उसमें छुपे हुए थे, है ना? हाँ कि ना? और क्यों छुपे हुए थे? ताकि नीलम आंटी से इनको डांटना पड़ जाए, है ना? और ये मैं तो तेरी बहन हूँ, तू मुझे सब कुछ बताती है, तो बताओ ना क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? प्लीज, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, तू गलत सोच रही है। चाची, वैसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, बताओ, बताओ कैसा है? अच्छा अच्छा, तू मुझे नहीं बता रही ना, जीजू मुझे बताएगी, मैं उनकी फेवरेट हूँ। जीजू, आज सुबह आप दी के कमरे में जो अलमारी है उसमें छुपे हुए थे, है ना? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी गलत नहीं बोला, जो भी बोला एकदम सच बोला है। तुम क्या मुझे बात करने दो, बिल्कुल सच बोल रही है शालू, कुछ भी गलत नहीं बोला उसने। और जब प्यार किया तो डरना क्या है? डरना क्या है मतलब, सच बोलने से डरना क्यों है? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने शालू। और पता है, मैं लक्ष्मी के कमरे में था, उसके अलमारी में छुप गया था मॉम से डर के। और अगर मॉम को पता चल जाता कि पूरी रात मैं लक्ष्मी के कमरे में ही रहा हूं, तो पता है ना क्या करती मॉम मेरा? हाँ, बैंड बजाती थी मॉम। बैंड बजा देती क्या? देख क्या रही है तुम? मैं जो भी बोलता हूँ बिल्कुल सच सच बोलता हूँ और बिल्कुल सीधे सीधे बोलता हूँ। फोन भूल गया था इसलिए आया था। चलो बाय शालू। बाय जीजू। काम कर। मनीषा बेटा क्या हुआ? इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, इधर आओ, चलो तुम इधर बैठो। बेटा क्यों रो रही हो? आप मुझे एक बात बताओ, मैं अच्छी हूँ ना? मैं कैसी इंसान हूँ? क्यों पूछ रही हूँ, क्या हुआ बेटा? मैं अच्छी हूँ ना? अच्छी इंसान हूँ ना मैं? हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं पारो के साथ भी अच्छे से रही थी, पारो को भी मैंने बहुत अच्छे से रखा, और सबके साथ मैंने अच्छे से रहने की कोशिश की है ना? हाँ बेटा, सबके साथ अच्छे से रहती है, पर हुआ क्या? लक्ष्मी हमेशा अपने हाथ क्यों क्रॉस करती है? तू हमेशा यही लड़की क्रॉस करती रहती है, हमेशा। इसे कुछ नहीं आता, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े लेक्चर देती है। क्या बोल के आई थी इस घर में कि एक माँ की हैसियत से आ रही हूँ? अगर यही था तो वो एक कमरे में ऋषि के साथ क्यों थी? What? ऋषि के साथ वो एक कमरे में थी। अगर उसे किसी से कोई मतलब नहीं है तो फिर क्यों थी ऋषि के साथ? मेरे ऋषि के साथ वो क्यों थी? वैसे दी, बच्चे भी बहुत खुश होंगे तुम दोनों को एक साथ देख के। बच्चे भी मतलब मैं भी ना बहुत खुश होगी तुम दोनों को एक साथ देख के। दीप, इससे पहले कि तू कुछ बोले मेरी बातें सुन ले। देख, मैं ना झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जीजू और तुझे एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करके जितने भी गिले शिकवे ना सब कुछ मिटा देने चाहिए। और देख, मैं समझती हूँ कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ पहले, जो कुछ भी हुआ वो कुछ कम नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है तेरे साथ, और मैं समझती हूँ उस बातों। लेकिन दीप, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबतें आने के बाद भी, इतने सालों तक तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहे उसके बाद भी, देखना, देख भगवान जी ने क्या किया है। भगवान जी ने फिर से तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। तुम दोनों फिर से एक छत के नीचे एक साथ रह रहे हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।